Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Meena Sasha Kapoor, and आज finally मैं एक slime video लाई हूँ. मेरे पास मेरी सारी slimes यहाँ पे हैं, तो मैं मेरी सारी slimes के साथ आपके साथ आई हूँ. और मैं हाँ हूँ, हाय. आज आप मुझे नहीं देख पाएंगे, आज आप सिर्फ इस bowl और slimes को देख पाएंगे. सारी मेरी यहाँ पे पड़ी हैं, तो सारी यहाँ पे पड़ी हैं, तो आप उन्हें ही देख पाएंगे. सो अब चलिए फिर slimes से स्टार्ट करते हैं पहले. तो गाइस, ये पहली स्लाइम है, ये मुझे मेरी मासी ने दी थी और मैंने बहुत मुश्किल से स्टैंड लगा ली है, तो प्लीज गाइस लाइक कर देना. सो ये है पहली स्लाइम. अब हम इसको बॉल में डालेंगे. इस स्लाइम का नाम है पेपा पिक स्लाइम और ये आपको अमेज़ॉन से इजीली मिल जाएगी. ये मासी ने मेरे लिए मंगाई थी. सो ये है हमारी स्लाइम. सो इसमें बहुत मज़ा आता है इसको खेलने में. आज मैं आपको इसको खेल के दिखाऊंगी एंड आप बस इंजॉय कीजिए मेरी वीडियो. आपको कुछ नहीं है, आपको बस तब इजी काम है, आपको बस वीडियो को लाइक करना है और 100 लाइक्स तक पहुंचा देना है. तो इट्स रियली स्ट्रेची एंड ज़्यादा स्ट्रेच भी कर. मैंने एक बाउल अरेंज किया. सो गाइस, लाइक्स बनते हैं, शेयर्स बनते हैं, फॉलोअर्स बनते हैं, सॉरी सब्सक्राइबर्स बनते हैं और सब कुछ बनता है यार. आप कर दो बस. तो चलिए खेलना शुरू करते हैं. इसमें बाल ही बाल हैं आधे के, मतलब सॉरी मेरे बाल अभी भी बाल खुले ही हैं. सो मैं आपको मेरी सारी स्लाइम्स के साथ मिली हूँ. आप देख सकते हैं ये प्लिंक स्लाइम. अभी मैं इसके साथ बबल बना के आपको दिखाती हूँ. ओके, सो अभी हम इससे बबल बनाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ. और हिट लाइक कर देना गाइस, ये देख सकते हैं. ओहो, हम इस बाउल की कोई जरूरत नहीं है. अब आपको बबल बनाने के लिए इसको स्ट्रेच करना पड़ता है. जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं, आपको बस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है जहाँ तक आप कर सकते हैं. जैसे मैं बना रही हूँ, आपको एग्जैक्ट अपनी साइन के साथ ऐसे बनाना है. मेरी साइन एक्चुअली थोड़ी बहुत जेली है, तो उससे ज़्यादा अच्छे बबल्स बन जाएंगे. ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्ट्रेच वाला, बबली फट जाता है. ये देख सकते हैं आप थोड़ा बहुत बबली. मैं आपको उसकी वॉइस सुनाती हूँ. एंड गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए आप फटाफट हेडफोन्स पहन लीजिए. सो अगर आप हेडफोन्स भी पहनेंगे, आपको मज़ा भी नहीं आएगा. सो प्लीज़ वेयर हेडफोन्स रिक्वायर्ड. हेडफोन्स आर रिक्वायर्ड. आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा है ये. अब बस हम इसे स्ट्रेच करने वाले हैं. और ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो और ज़्यादा बबल्स बनेंगे. आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं आप उतना स्ट्रेच कीजिए. मैंने मेरी स्लाइम पार्ट, ये स्लाइम पार्ट 3 है क्योंकि स्लाइम पार्ट 1 और 2 मैं आदि के साथ कर चुकी हूँ और आपने उसको बहुत प्यार दिया है. वाओ. और ये गाइस आदि की ही स्लाइम है. मेरी स्लाइम में फंगस आ गई थी. बहुत अच्छी है. अमेरिकन जैसे आज हम खेलेंगे स्लाइम के साथ, जैसे उस दिन हमने खेला था, बबल्स बनाए थे. आज भी हम बबल्स बनाने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा. और हम आज फिर वही करने वाले हैं किसी तरह से, एज एन लेकिन गाइस आप लाइक करना भूल जाते हो यार. आप लाइक नहीं करते तो कर दिया करो प्लीज़. कमेंट भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कर दिया करो. इतना ज़्यादा बोलती हूँ मैं.
ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा बबल बना है। ओ शिट, आप नहीं देख पा रहे हैं, जल्दी देखिए गाइस, देखो देखो गाइस कितना बड़ा है। मैं अपनी दादी को दिखा रही हूँ, देखो दादी कितना बड़ा कैसे। अब हम इसको फोड़ेंगे, ये मेरा सबसे पहला बड़ा बबल है। ओ माय गॉड गाइस, मेरे हाथ आप देख सकते हैं कितने स्ट्रेची हो गए हैं। गाइस मैं एक स्लाइम का चैनल देखती हूँ, उसमें भी ऐसे कभी बबल्स नहीं बनाए। चाइनीज है, चाइनीज लोग तो बबल्स बनाते हैं, लेकिन मैंने उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है क्योंकि वो चाइनीज हैं, तो मैं नहीं कह रही सब्सक्राइब, मैं क्यों कह रही चाइनीज को, हम इंडियन वाले लोगों को सब्सक्राइब करते हैं। वेयर हेडफोन्स, सो बहुत मजा आ रहा है स्लाइम से खेलने के। अब नेक्स्ट लाइन पे हम मूव ऑन करेंगे, तो लेट मी गेट द नेक्स्ट लाइन। एक बार हम इससे एक और बड़ा बबल बनाएंगे, देन फिर हम नेक्स्ट लाइन पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। बबल बनाने की कोशिश जारी है, लेकिन पता नहीं बनता है, नहीं बनता। As you can see, मैं फोटो जरूर खींचूंगी। Guys, let me click some pictures of this. It's really cool. अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगी एंड दे विल बी रियली रियली हैप्पी टू सी दैट मेरी बेस्ट फ्रेंड या मेरे सारे फ्रेंड्स ने इतना बड़ा कॉपी बनाया। फूट गया गाइज, फूट गया, फिर से बनाते हैं, चलो बहुत मजा आ रहा है। इतना बड़ा बबल के लिए गाइस हिट लाइक कर दो, हिट लाइक, हिट लाइक, इतना ज्यादा बड़ा। सो या वाओ, मतलब इतना बड़ा बबल किसी का नहीं हो सकता। सो अब मैं नेक्स्ट स्लाइम लाते हैं, मूव ऑन करते हैं। मैं अपनी स्लाइम्स के साथ रेडी नहीं हूँ, तो मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइम लाती हूँ। पहले हम इसको फिट करके चेक करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ इसको फिट आउट कैसे। एंड गाइस मैं आपको एक और इजी बबल बना के दिखाती हूँ। जिन लोगों से बबल नहीं बनता, जैसे मुझसे पहले नहीं बनता था, तो मैं ऐसे बनाने की कोशिश करती थी। एंड गाइस इस वीडियो के लिए आप प्लीज अपने फैंस ऑफ कर लीजिए अगर आपके बड़े बड़े बबल्स बन रहे हैं, क्योंकि अगर आप फैन के साथ देखेंगे तो आपके ज्यादा अच्छे बबल्स नहीं बनेंगे। सो आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं आप गाइस कितना ज़्यादा स्ट्रेचफुल है। और अब आप सुनिए बस, ये देख दिखाती हूँ, रुको गाइस आप बस सुनिए। आप ये किरकिर बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, ये किरकिर अगर आपको सुनाई दे रहा है तो, वरना कोई बात नहीं, आपने हेडफोन्स पहने हुए हैं। मैं आपको फिर से सुनाती हूँ वो किरकिर, थोड़ा सा आई मीन इकट्ठा करने दो मुझे। ओहो, एक तो गाइस स्टैंड भी ना, मतलब बहुत डिफिकल्ट है उसका हैंडल करना। ओके, अब आप सुनने के लिए तैयार हैं क्रिकेट? सो अब नेक्स्ट लाइन पे मूव ऑन करते हैं अभी। अभी इसके यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, सो मैं लेके और नेक्स्ट लाइन पे मैं आपसे बात। सो गाइस ये है मेरी नेक्स्ट लाइन, इस लाइन का नाम है दुनियाना जल्दी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये आप दुनियाना स्लाइम को मैं इस बोल में डालती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। गाइस मैंने दुनियाना स्लाइम को यहाँ डाल चुकी हूँ,
बहुत मेहनत लगी थी इसको डालने में, सारे ये जो थे इनको ऊपर करने में। अगर आपने चेकआउट किया है तो लाइक कर दो। एंड गाइस ये बहुत घटिया क्वालिटी की स्लाइम है, इसको आप कभी मत लेना, वेस्ट ऑफ मनी। ये मैंने ले ली, पता नहीं इतनी घटिया क्वालिटी की है, लेकिन फिर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि आप ये ना लें। मैं आपको दिखा सकती हूँ, इससे बबल्स नहीं बनते। 10 बार ट्राई कर चुकी हूँ, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तभी तो गाइस मैं उस लाइन के साथ रुक नहीं रही थी खेलना, क्योंकि उसमें बहुत मज़ा आता है, बबल्स बनते हैं। इसमें सिर्फ यही वाले बनते हैं और वो भी मतलब स्ट्रेच भी नहीं हो रही। देखो बहुत गंदी स्लाइम है ये जूनियाना वाली, इसको मत बाय करना आप लोग। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वेस्ट ऑफ मनी है एक तो, और बहुत गंदी स्लाइम है, रियली रियली बैड स्लाइम। डू नॉट गेट इट, डू नॉट, लेट मी चेक इट आउट कि अगर ये अब होगी। क्योंकि गाइस इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं कि अगर ये स्टिक हो जाएगी आपको वैसलीन लगा के खेलना होगा, एंड तो वो वैसलीन से बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है। दूसरी साइड होती है हार्ड नहीं होती, कुछ भी हो जाए इसको अगर आप एक स्ट्रेच करेंगे, मतलब कुछ भी करेंगे आप, ये बहुत गंदी स्लाइम है, आप बस मत लेना। और इसके जो फोम बॉल्स हैं आप देख सकते हैं कितने अच्छे फोम बॉल्स हैं। सो अब हम इसको, ये सारे फोम बॉल्स हम पेपा पिग वाली स्लाइम में डालने वाले हैं। सो इनको मैं पहले रिमूव करती हूँ, सारे फोम बॉल्स को रिमूव। तो अभी जो भी है सारे रिमूव करके मैं हमारी पेपा पिग वाली स्लाइम में डालूंगी। आप भी गाइस पेपा पिग वाली स्लाइम लीजिए, ये मत लीजिए जूनियाना वाली, ये बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा। सो गाइस ये है हमारी पेपा पिग वाली स्लाइम और ये हमारी जूनियाना स्लाइम की फोम बॉल्स। सो गाइस अब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। ओह गॉड, इसको बाहर निकालना हद से बाकी भी है। अब हम इसे पहले स्प्रेड करेंगे, देख सकते हैं आप, हटा देते हैं इन दोनों को, और अभी के लिए इसको भी हम हटा ही देते हैं और हम इसे स्ट्रेच कर देते हैं और फोमबॉल्स यहाँ पे ऐसे ऐसे पेस करते हैं। एक काम करते हैं गाइस, पहले हम इसका बबल बनाते हैं, देन फोमबॉल्स उसके ऊपर प्लेस करते हैं, इट विल लुक गॉर्जियस। सो मैं बबल बनाऊंगी। ओहो फट गया, कोई नहीं गाइस हम बबल बनाने का ट्राई करते हैं। लास्ट में हम इसे मिक्सअप करेंगे, लास्ट में बड़ा मज़ा आता है यार, लास्ट में करेंगे मिक्सअप। ओके सो जब हम लास्ट में मिक्सअप करेंगे तो इट विल बी फन। सो अब हम इसको यहाँ पे तब तक प्लेस कर लेते हैं। तो गाइस अब हम इसमें बहुत अच्छी स्लाइम डालने वाले हैं। सो वो स्लाइम नहीं है, वो एक्चुअली फोमिंग स्लाइम ये वाली, इसमें से हमें ग्लू डाली और ये सारी फोम्स चिपका दी हैं, सो दैट ये फोम स्लाइम बन जाए। तो इसको हम चेकआउट करते हैं। इसको ये तो बहुत अच्छी स्लाइम है, लेकिन ये स्ट्रेच नहीं करती, कुछ नहीं करती, बस ये फोम है। बहुत मज़ा आता है इसको फील करके, काश अगर कुछ ऐसा होता जिससे आप लोग फील कर सकते तो मैं आपको फील कराती, क्योंकि मैं कोई ऐसा फीचर बहुत जल्दी आएगा, आई होप, आई लव यूट्यूब, जल्दी आ जाए वो फीचर। आओ यार बस मैं आपको ये सारी साइंस फिर से दिखाऊंगी, फिर आप फील करना और बबल बनाने का ट्राई करना। फिर ऐसे फीचर वैसे मेरे सपने में आया था कि यूट्यूब में ऐसा फीचर आया, फील कराया मैंने सबको, मेरे इन द एनिमल। सो अब ये वाले तो मैं स्लाइम बन गई। सो अब हम इसको मिक्सअप करने वाले हैं। सो अब हम इसको पहले स्ट्रेच करेंगे और इसका बबल बनाने की कोशिश करेंगे, देन इसका बबल बनेगा, फिर हम इसको मिक्सअप करेंगे। सो so, अभी मैं बबल बनाऊंगी। सो अब हम इसे स्ट्रेच करेंगे, एज यू कैन सी
मैंने पहले ही कहा था स्ट्रेचिंग इज गुड एज यू कैन सी दैट। बस यार इतनी स्ट्रेचिंग हो गई है ऐसे तो फिर पता नहीं और कितनी स्ट्रेचिंग करनी है। सो गाइस अब हम इसे फिर से स्ट्रेच करने वाले हैं और करते रहिए इसे स्ट्रेच। एंड गाइस वो बबल बहुत ज़्यादा लाइट था। ओके अब इसे बबल बनाया है सो उसके ऊपर हम ये प्लेस करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस आप काश आई। ओके सो अभी हम यहाँ से सारे लग रहा है देयर इज चेरी ऑन द केक। गाइस अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मुझे बताइए सो मैं एक इंडिविजुअल वीडियो रखूँगी जिससे आप देख सकें। मेरे पास बहुत टाइम होता है ऐसे मत समझो। ओहो वो बबल फूट गया मुझे लगा मैं देख पाऊँगी लेकिन गाइस वो बबल नहीं फूटना चाहिए ये याद रखना। अब मैं सिर्फ 4-5-6 ही डाल रही थी अगर कहीं और देखा वो अपने आप ही फूट गया। मिक्स नहीं करूँगी मैं पहले इंस्टाग्राम स्टोरी भी डालनी है गाइस आपके लिए। ओहो एक फोम बॉल खुद चुकी है वापस इसे करते हैं। इसकी स्मेल अगर आप सुनेंगे यू विल डाई बहुत गंदी है। एंड गाइस मैं गर्मी में बैठी हूँ तो उसके लिए हिट लाइक। उफ ये बबल बनाना भी पसंद नहीं है। अरे यहाँ पे तो होल है ऐसे कैसे बनेगा बबल। इसके अंदर ना परफ्यूम डालूंगी अभी इसको मैं खिच 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 करना चाहती हूँ। अब हम इसे फिर से स्ट्रेच एज यू कैन सी दैट मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया है। सामान जो है सो गाइस ये एक बहुत बड़ा बबल बना है एज यू कैन सी। आई एम टेकिंग अ फोटोग्राफ सो दैट मैं फिर आपके लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकूं। वन सेकेंड गाइस वो मेरा यहाँ का बाइंडर निकल गया सो मैं उसको वापस फिट करूँगी देन। ओहो फूट गया यार आज मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अब कोई फोटो सेशन नहीं बहुत सारी फोटोज हो गई स्लाइम की। अब बस ख़त्म अब फटाफट से बस अब बबल बनाओ और इसको मिक्सअप करो यार हो ही नहीं रहा। ऐसे 10-10 साल लग जाएंगे हमें मिक्सअप करने में। मैं सारी फोम बॉल्स यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ सो दैट फटाफट से रखते हम चक दे फटे। एंड गाइस हम ये वाला जो है ना ये वाला अगर आपको दिख रहा है मेरा टैप ये वाला हम इसको भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन जरा वाले में मिक्स कर। अब हम इसे हुफ करेंगे हुफ नहीं मतलब अब इसे हम फिर से बबल में ट्रांसलेट करेंगे सो ओ गॉड। ओहो चप्पल मैंने जो पहनी थी वो बहुत खतरनाक है मैं आपको अभी दिखाऊंगी अगर आप देख सकते हैं तो चेक आउट नीचे से देखो जख्मी हो गई हूँ लेकिन दर्द नहीं हो रहा कोई बात नहीं। ये देख सकते हैं आप। ओके 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 ओ नो सारी फोम बॉल्स नीचे गिर गई कोई नहीं गाइस मैं उनको उठाती हूँ। ओ गॉड फोम बॉल्स ना नीचे गिरे कुछ भी ऐसा स्टंट ना होए सो स्लाइम के रिगार्डिंग है। अब बस फटाफट से वीडियो एंड करूँ मैं। ओ 19 मिनट्स हो गए ऐसे कैसे अपलोड हो गया फिर इतना देर लगेगा सो बन गया। अब फटाफट से हम इसे लगाएंगे और फिर पोस्ट करेंगे इंस्टाग्राम पे।
लगाओ भाई जल्दी जल्दी, ज्यादा ही लगाते थोड़ी देर बाद लगा दो। फूटी जाए इंस्टाग्राम थोड़ी ही ना बने। सो मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी बना रही हूँ गाइस, कैन यू प्लीज। ओ नो, इतनी देर लग गई गाइज। अब मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी पे ही, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से करो, क्योंकि मैं वहाँ पे स्टोरी डालने वाली हूँ। सो अब मैं बस कॉन्सेंट्रेट करूँगी, फिर मैं आपसे मिलूँगी। सो गाइज आई फाइनली डिड इट, एज यू कैन सी एक पेस्ट्री बन चुकी है। अब मैं फिट कैसे करूँ गाइज, आई हैव टू वेट अ लिटिल, वीडियो भी नहीं स्टॉप कर पाऊंगी। ओह ओ गाइज, नाउ यू कैन बी ऑन योर पोजिशन, यू कैन एंजॉय दिस वीडियो। अब गाइज मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इन फोम बॉल्स के साथ बबल बना पाऊँ, वो भी इस लाइन में। एंड गाइज मैं थोड़ी सी स्लाइम ले रही हूँ और मैं ये वाली भी ऐड कर रही हूँ उसमें, थोड़ा सा ही ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर मेरी और स्लाइम्स होंगी तो मैं उसमें ऐड कर। सो आर यू रेडी, अब मैं एक बबल बनाऊँगी देन इसको ऐड करूँगी, तब तक इसको साइड में। सो पॉप आउट हो जाते हैं लेकिन बबल्स। ओके अभी हमें इसमें ज्वाइन नहीं हुआ है, अभी हमें अच्छी सी एक सेल्फी भी लेनी है, सो हम ताकि इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर सकें। सो अरे यार, मैंने मिरर सेल्फी लेना बहुत अच्छा लगता है। अब जल्दी से लो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से तीन चार ले लो। सो बहुत मज़ा आया इसको मिक्स करके। ओ वाओ, अब हम इनको मिक्सअप करेंगे। वाओ ये कितना अच्छा लग रहा है गाइस, द स्लाइम इज लुकिंग सो नाइस एज यू कैन सी। नहीं जो पुरानी वाली ब्लू वाली स्लाइम थी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये वाली जो स्लाइम है ये इतनी अच्छी बन चुकी है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, वाओ कितना अच्छा लग रहा है फील करने में, और उसे स्ट्रेच करने में दिखते हैं। ओ स्ट्रेच कर, स्ट्रेच नहीं कर पाऊंगी इससे, ऐसी स्लाइम से बबल्स नहीं बनते लेकिन स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए कितनी अच्छी स्लाइम लग रही है। एज यू कैन सी हमने एक अच्छी सी पेपा पिक स्लाइम को हमें ऐसे ट्रांसलेट कर दिया, तो समझे और पेन करेंगे। ओहो गाइस, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत गंदी है, बबल नहीं बन पाएंगे, देख सकते हैं आप नहीं बन पा रहे, और ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं हो पाएगी, लेकिन व्हेन यू विल फील इट द फर्स्ट टाइम इट विल लुक वाओ, आई मीन वाओ। ओके आई लव दिस टाइप ऑफ स्लाइम्स, बोले है नहीं, वाओ वाओ, इसमें एक बाल आ गया सबसे गंदा, वाओ। आई विल जस्ट एंड गाइस ये असली में यूट्यूब अपलोड होगी, क्योंकि बहुत मज़ा आया आज, इतने बड़े बड़े बबल्स बने और बहुत मज़ा आया, मतलब फिट नहीं हो रहा है क्या,
इतना ज़्यादा सामान ऐड कर लिया है, सो फिट नहीं हो रहा। इट्स ओके गाइस, हम इस बाउल में ट्राई करूँगी मैं अभी। सो बाय।